हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे बहुत कि आंटी आज आपकी वीडियो नहीं आई। तो बेटा कल हमारी लाइट का मसला था, लाइट नहीं थी बिल्कुल भी और मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी और मैंने इसलिए नहीं वीडियो बनाई। तो मुझे बहुत खुशी और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और इतना मुझे मतलब मिस करते हो आप लोग। तो आज आप देख रहे होंगे कि आंटी क्या बना रही है। आंटी बना नहीं रही है, आंटी काट रही है। तो आंटी काट के दे रही है रिजा को आलू, तो वो बना रही है आलू चिकन। और मैरा गई हुई है अपने मामू के घर, गई है मासों के क्या, घर मासों के घर गई हुई है वो, अभी गई है। तो अभी हम खाना वाना बना रहे थे तो अभी लाइट थोड़ी सही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों से बात भी कर लूं। तो अभी हम बना रहे हैं आलू चिकन, तो मैं सब्जी काट के दे रही हूँ, नहीं तो मेरा और वो ही बनाते हैं। तो आप डोनर से बात कर रहे हैं आप। तो ये देखिए, अभी आलू हमारे कट रहे हैं पानी में। अभी मसाला भी रेडी करना है, मसाला पीसना है अभी, क्योंकि बहुत सारा काम करना है, क्योंकि पानी नहीं है ना सुबह से। कल पानी भी नहीं आ रहा, लाइट नहीं थी, आज पानी नहीं है। आज पानी नहीं आ रहा। तो आज ये साथ हमारे पड़ोसी हैं, इनकी बोरिंग है तो इनसे हमने बोला हुआ है कि थोड़ा सा पानी हमें दे दो। तो वो अभी गए हुए हैं तो अभी आएंगे। तो वो कह रहे थे आंटी कोई मसला नहीं आप ले लेना, तो अभी पानी भरेंगे तो फिर नहाएंगे। क्योंकि मेरी आदत है मैं रोज़ाना नहा के मैं प्रे करती हूँ, तो इसीलिए अभी मैं बैठी हुई हूँ। अब सब्जी बना के दूंगी तो फिर उसके बाद वो पानी लेके नहा के फिर प्रे करूंगी। और आप लोग कैसे हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और आप मुझे बहुत मिस करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं। और ये देखें आलू कितने रह गए हैं उसके अंदर। वो है अभी 2 दिन। और तो जिस जिसने आलू अभी चिकन खानी है वो आ जाए अपनी आंटी के पास और खा ले। आप वीडियो में ऐसे ही बने रहे, हम मसाला रेडी कर लें, आलू कटिंग कर लें, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये देखें आलू हमारे कट चुके हैं, अम्मी ने टमाटर भी डाल दिए बीच में, और अभी अब काट अम्मी रही काट हूँ रही है प्याज अनियन अनियन। अनियन। और खाना रीता भाभी बना रही है, और रीता भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। कभी आप आएँ घर पे तो आप रीता भाभी के हाथ का खाना टेस्ट करें, बहुत टेस्टी खाना होता है। दाल मेरा भी खाना मेरा भी अच्छा बनाती है। मायरा की स्पेशलिटी है, मायरा दालें बहुत अच्छी बनाती है। मेरा के हाथ की मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है। और शुक्र है खुदावंद का मेरी दोनों बहुएं खाना अच्छा बनाती है और बहुत टेस्टी बनाती है। और मुझे नहीं बनाती रहती, मैं सुकून से बैठी होती हूँ। तो अभी वो ज़रा मेरा चली गई है तो इस वजह से मुझे काट के देना पड़ा है। तो कोई बात नहीं, काम करना चाहिए इंसान, काम करते रहे तो एक्टिव रहता है। वैसे मैं घर के कामों में बहुत एक्टिव हूँ, खुदावंद का शुक्र है कि मैं घर के काम जो है ना, काम कोई भी हो मैं हार नहीं मानती, काम करती हूँ। पर अब इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी बहुएं आ गई हैं, जाहिर है वो करती हैं दोनों घर का काम। तो फिर मैं बैठी होती हूँ तो वो ही करती हैं। और खुदावंद का शुक्र है अच्छी हैं, इज्जत करती हैं। बस मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि खुदावंद इनको ज़िंदगी दे और सेहत दे और तंदुरुस्ती दे मेरी बहुओं को। क्योंकि मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे खानदान की हैं, बहुत मतलब इज्जत करने वाली हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाली है। मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं। और आजकल के दौर में इज्जत ही इंसान को चाहिए होती है, पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, क्योंकि इज्जत जो इंसान दे ना वो इंसान बहुत बड़ा होता है। सही बात है। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत बुराइयाँ की, मतलब कि वो लोग थे जो बराबरी नहीं कर सकते, बस बुराइयाँ कर सकते हैं। बुराइयाँ कर सकते हाँ, हैं हमारी बराबरी नहीं कर सकते, बुराइयाँ कर सकते हैं। तो हमें कोई लेना देना नहीं है किसी से भी बेटा। हम अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, शुक्र है अल्लाह का। वो देने वाली खुद अल्लाह की ज़ात है, वो देती है। और इज्जत भी इसी ने दी है, जिल्लत भी वही देता है और इज्जत भी वही देता और है। अल्लाह का शुक्र है, जिल्लत आज तक नहीं मिली हमारे को। शुक्र है कि हमें जब भी मिली है, जहाँ भी खड़े हो जाए लोग इज्जत ही करते हैं और इज्जत से बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग जैसे मुझे कमेंट्स करते हैं इतने अच्छे अच्छे
और आप लोग खुद ही कहते हैं कैसी आपकी आदत, अब आप खुद बताएं कि मेरी आदत कैसी है, मेरी नेचर कैसी है। बेटा मैं तो यही कहती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी की तकलीफ ना हो, किसी की ज़ात से मुझे हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी को कोई तकलीफ नहीं दी और ना कभी किसी को बोला बुरा भला। कोई हमें भले कुछ भी बोलता रहे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोलने वाले बोलते हैं, क्यों डोना हमें कोई फर्क। वही बात आ गई ना, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बैठ के बुराइयां करते हैं, बस बैठ के बुराइयां करते हैं, क्योंकि वो बराबरी नहीं कर सकते। सही बात है, जो कहते हैं ना कि जो हाथ ना जाए तो अंगूर खट्टे, ये वो हिसाब है। तो हमारा मैल धुलता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। भले कोई कुछ भी बोलता रहे, हमारा वो हिसाब है, अपना जी दुनिया ना तेनू की। सही बात है। तो अभी ये देखें, लहसुन छील रही हूँ अभी मैं, तो छील के पूरा मसाला बना के रिजा को दूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा कह रहा था अम्मी मैं बना लेती हूँ, तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं बना देती हूँ, मैं भी तो वैसे ही फारिक बैठी हुई हूँ, तो मैं आपको मसाला बना देती हूँ, तो आप चिकन रख लेना, चिकन अभी फ्रिज में है रिजा की। तो अभी आप वीडियो में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अभी ये देखें, अभी तो ये दो लहसुन ही छिले गए हैं, अभी पूरा बाकी है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, आपको सीधा किचन में लेके जाएंगे इसके बाद। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और कमेंट्स तो आप इतने अच्छे-अच्छे करते ही हो, और कमेंट तो आपके पढ़ के दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है, दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए। जी तो ये देखें, गरम ऑयल में डाल दिए भाभी ने चिकन, और प्याज ब्राउन कर दिए। इसके बाद क्या करना है भाभी? हरी मिर्चा पीसूंगी थोड़ी सी, क्योंकि लैवी ने भी खाना ज्यादा नहीं रखा, वो भी खाता। चिकन अब हमारी गोल्डन हो गई है, अब उसमें टमाटर डालेंगे, अदरक लहसुन भी डाल दिया इसमें, और ये देखें मैं हरी मिर्चें कूट रहा हूँ, क्योंकि हम जब भी डालते हैं हम फ्रेश मसाला डालते हैं, फ्रिज में पड़ा हुआ नहीं डालते हैं ना भाभी। हाँ। हम डेली जो है डेली की रूटीन में फ्रेश मसाला लाते हैं, और वो फ्रेश मसाला कूट के फिर खाने में डालते हैं, उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। हम अदरक लहसुन भी नहीं पीस के रखते फ्रिज में, वो भी फ्रेश पीसते हैं और पीसते इससे रोटी बेलते हैं, इसी से रोटी 2-in-1 है ये हमारा, ये काम ज़्यादा करता है अच्छे से, ये मसाला बहुत बारीक कर देता है। काली मिर्च पड़ी है? काली मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि हरी मिर्च मोटी भी मैंने डालनी है ऊपर से थोड़ा। ये टमाटर भी कट चुके हैं हमारे, और ये देखें हमने ये गमला किधर रख दिया, लाल अपना हमने इधर बाहर रख दिया, क्योंकि इसको फ्रेश एयर चाहिए होती है, तो ये अंदर ये देखें इसके पत्ते पीले हो गए थे, तो हमने वक्त से ये उठा के बाहर रख दिया। अभी ये बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, हमारी छत तोड़ देगा ऊपर से, है ना अम्मी? वो ये देखे अम्मी फ्रिज में से क्या छांटी कर रही है। नहीं चावल रखे हुए थे ना कल बनाए थे, तो अब ये चावल खाएंगे साथ गरम करके, तो खाने के लिए कितना टाइम लगेगा? बस अभी शुगर मसाले डाल रही हूँ, बन जाएगा चिकन है आपको पता है, वो तो बन जाती है जल्दी फ्राई होती है, अभी होगी तो ही होगी, चिकन में भी डाले, चिकन में भी
तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, कल मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।